नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट का निधन एक महीने से ज्यादा हो चुका है इनके निधन को, लेकिन निधन की साजिश किसने की उसका पता नहीं लगा। हालांकि जिसने साजिश को अंजाम दिया वो अभी जेल में बंद है, लेकिन जिसने साजिश को रचा है वो अभी भी बाहर घूम रहा है। फिलहाल उसकी जांच पड़ताल चल रही है, उस पर पूरी तरीके से इस केस में जो है सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच आज हम आपको सोनाली की एक ऐसी पुरानी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें सोनाली रवि किशन के बारे में बोलती नजर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी नेता रवि किशन और बॉलीवुड स्टार रवि किशन, जो की एक फिल्म भोजपुरी से बिलोंग करते हैं, सिंगर एक्टर जो कि बीजेपी नेता भी है, जिनके साथ सोनाली ने भी एक फिल्म की हुई है, तो वो वहां पर रवि किशन के बारे में कुछ बातें करती नजर आ रही हैं। उनके बारे में क्या उन्होंने सिखाया, क्या उन्होंने कहा था, तो उनके बारे में बताती हुई नजर आ रही हैं। वहीं उन्होंने कई और नेताओं के बारे में बातचीत की, बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में बातचीत की है, तो ये वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें देखेंगे कि सोनाली फोगाट रवि किशन के लिए क्या कहती नजर आ रही हैं और उनके निधन के बाद रवि किशन ने क्या किया वो आप सब जानते हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अरे अभी मेरे साथ एक फिल्म में मैंने और रवि किशन ने काम किया। रवि किशन इस बार लोकसभा लड़े तो मैं भी लोकसभा के लिए ट्राई कर रही थी, वो नहीं पाया थे। सब लोग आ रहे हैं, हेमा मालिनी हमारे यहाँ बहुत समय से, हमने दो बार, दूसरी बार एमपी बनी है अभी, और बहुत से लोग आ रहे हैं। अभी मेरे साथ एक फिल्म में मैंने और रवि किशन ने काम किया। रवि किशन इस बार लोकसभा लड़े तो मैं भी लोकसभा के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरा हो नहीं पाया। हिसार लोकसभा में मेरा पैनल में नाम जरूर गया। तो रवि जी कह रहे थे कि अरे आप तो बहुत अच्छी नेता हैं, नेतागिरी वाले सारे गुण रखती हैं, हम तो सिर्फ एक्टिंग ही करना जानते हैं। वो बड़े मुझे उन्होंने अभिनय सिखाया भी, तो बोले एक दिन अच्छा, बहुत अच्छा करेंगी, बहुत अच्छा नाम करेंगी। तो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग भी दी और मेरे से पहले एमपी बन के बैठ गए। तो देखिए मेरी बात हुई थी उनसे, जब मैं टिकट के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था कि विधानसभा लड़ना है, तो कह रहे थे कि मैं आपके प्रचार में आऊँगा। तो अभी मैं बात करूँगी, एक दो दिन में उनसे बात करने वाली हूँ कि टिकट मिल चुका है, अब आ जाइए। कौन कौन लोग आ रहे हैं?